पेश किया जाए। बैठ जा। तो आ गया महाराज। बलवान को तो जिस पे बिठाया वहां एक आर्य भारत वर्ष से आया, जन स्थान शमशान जिसने बनाया। क्या वक्त है कंपन, राक्षस रहते थे मेरे वहां पर 14,000, दूषण शिवा सलार था, खैर सबका सरदार था, खैर सबका सरदार था महाबलवान, तो फिर कैसे वो उजड़ गया मेरा जनस्थान। राजन बार एक विदेशी भारत वर्ष में आए, टुकड़े करके हिंद के राजस्थान दिया बनाए, समय समय पर वे भी फिर भारत में आए, खंड खंड के देश को अखंड में दिया मिलाए। तो क्या हमारा जनस्थान आर्य वर्ग में मिला लिया गया? राज सहित 14,000 राक्षसों को भूमि पर चुराकर उन्होंने हमारी आबादी का नामो निशान मिटा दिया। अरे सोने की लंका छीन ली जिसने कुबेर की, चोटी हिला दी जिसने हिमालय सुमेर की, छावनी उस लंकेश की फिर किसने ठहर की। महाराज अगर अभिमान पाओ तो उनके नाम बता, कौन बताओ? बता बता त्रिलोक जी ने किसका आसरा नहीं रहा, किसकी उम्र तमाम हुई, किसके जीवन की अंतिम शाम हुई। मैं अपनी क्रम की अग्नि से अग्नि को जला डालू, पवन को रोक लू, जलता हुआ सूरज बुझा डालू, मैं अपनी कर्म सांसों से समुद्र को सुखा डालू, जो क्रांत में तो काल की गर्दन दबा डालू। आप इस बलवान है, बड़े बलवान है, परंतु नहीं वो लंकेश से डरते जो दंड कारण में आए हैं। पल भर में उन्होंने कई राक्षस भूमि पर चुराए हैं, उन्होंने आपकी नाक काटी, काट कुतरे हैं, जिन्होंने घर में दूषण सहित बड़ी मुद्दा बनाया। क्या कहता है, आज तक मेरी नाक को हाथ लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो क्या आपकी बहन की नाक आपकी नहीं है? ये क्या कहता है, सुंदर मनोहर शरीर वाली श्रूफ नगर बहन को किसने करूप बना दिया? उसी ने जिसने घर में दूषण सहित 14,000 राक्षसों को भूमि पर चुरा दिया। कौन है वो सत्यनाशी? हाँ केवलाशी, केवल दो भारत निवासी देश वनवासी, राम लक्ष्मण नाम है, अयोध्या उनका दान है, वह काम देव सभी एक रूपवान है, इनमें दुरुस्त मान है जो हाथ में कमान है, सर्पों का एक समूह है जो तर्कश बेवान है, ब्रह्मांड जीत सकते हैं, वह दोनों बड़े बलवान है। परंतु शूक नफा ने उनका ऐसा क्या अपराध किया था जो उन्होंने उसके नाक कान काट डाले? ये मैं नहीं जानता, ये आप उसी से पूछ लीजिए। भैया उनके साथ रूपमती सीता का
तू सीता का स्वरूप कैसे हो गया तुम्हारे कलूप का कारण? भैया मैं घूमती हुई पंचवटी की ओर जा निकली, प्रतिहार करते हुए सीता को निहारा तो बिचारा किसे पकड़ कर ले जाऊं? और भैया रावण की भार्या बनाओ, मैंने जैसे ही चमंडा मारा तो सीता ने अपने पति को पुकारा, फिर राम ने किया इशारा तो लक्ष्मण ने निकाला कटारा। भैया न सोचा न विचारा तुरंत ही मेरा नाक काट दिया गया। बहन अनेक रमणियों का मेरे यहाँ स्थान है, मदाद्री जैसी सुंदरी मेरे पास है, तो फिर क्या सीता और क्या उसकी सुंदरता? भैया मंदोदरी तो क्या, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती उसके समान क्या गति? सीता जैसी नारी ना देखी ना सुनी, उसे देखकर दूर ना जाओ तू जानू, वहां जाके अपना दिल ना दे आओ तू जानू भैया। जाओ जाओ बहन रणवास में जाओ और मेरा सर मत खाओ, बदला 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 लूंगा मैं राम और लक्ष्मण क्या, ग्राहक बना हूं मैं राम और लक्ष्मण की जान का, रावण कबूतर रहेगा पुलिस के खानदान का, जो ना देगा सबूत ब्राह्मण की जान का। जाओ जाओ बहन दरबार में जाओ और मेरा मुफ्त में सर मत खाओ, फेंकी है बारूद में तुमने दिया सलाई, ये तूने अपनी नाक नहीं मेरी नाक कटाई, लंका और भारत की अब छिर जाएगी लड़ाई, भारत भारत होगा या लंका की तबाही। जाइए सब चले जाइए, मुझे अज्ञान चाहिए। फिर भी तुम मुक्ति के पद को पा जाएगा। लेकिन इस मुश्किल और अद्भुत कार्य को करने के लिए एक राक्षस विशेष की आवश्यकता मुझे जरूर पड़ेगी। कौन हो सकता है वो? कौन है वो? कौन हो सकता है वो? मरीच खा भी आ जाया मामा मरीच, मैं बड़ा चतुर है बहादुर है, उसके लिए ये सब संभव कर लेना काम मामूली है। मैं दलेर है, शेरों का शेर है, जब तक उस जैसे योद्धा मेरे पास है तो सीता को हरने में क्या देर है। मैं आ रहा हूं मामा मरीच, मैं आ रहा हूं। Ha 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 ha